महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती जी जी वो पीछे चल रही हैं, अनंतनाग और बारामूला दोनों सीट्स निकल रही हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के हाथ से। नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी कश्मीरी भाई बहनों को सलाम करना चाहूँगा कि जो परसेंटेज थी 17-19 से बढ़कर डबल से भी ज़्यादा परसेंटेज वहाँ पर वोट लोगों ने डाले। ठीक है, अब रही बात, देखिए महबूबा मुफ्ती का ये था, शी ऑलवेज यूज टू अटैक द गवर्नेंस, कोई भी गवर्नेंस हो तो। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी में काम नहीं किया। क्या था ये, मैं आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। केंद्र में बीजेपी के साथ जाने का उनका जो फैसला था, हालांकि वो अलग, उसको छोड़िए, उसको छोड़िए, देखिए कश्मीर बड़ा प्यारा स्टेट है, उसको गरीब बनाने में और उसको पीछे ले जाने में वो महबूबा फैमिली है, उसमें गुलाम नबी आज़ाद का भी हिस्सा है, मतलब जिन लोगों ने भी कश्मीर को रूल किया है उन्होंने वहाँ जो गरीब कश्मीरी था उसको बद से बदतर कर दिया, खुद अमीर से अमीर तरीन हो गए। तो ये जो नेता है दे आर नॉट एक्सेप्टेड। 370 हटाए जाने का विरोध भी लेडूबा, अच्छा हुआ यार गए, 370 हटाने का विरोध भी लेडूबा। नहीं नहीं देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए, 370 जो हटा है उसे काफ़ी कश्मीरियों ने शायद पसंद नहीं किया होगा, लेकिन बहुत से कश्मीरी ऐसे हैं जो कहते हैं नाउ वी आर लिविंग इन पीस, हम आराम से रह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत से लोग मुझसे राजी नहीं हो, लेकिन 370 आने के बाद कश्मीर में जो एक जो जन्नतुल फिरदौस थी, है ये जन्नत का नज़ारा, दोबारा वहाँ पर लाइफ जो है अब शुरू हो गई है। तो 370 मैं नहीं समझता बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, आरती टिक्कू आपसे सवाल लेना चाहूंगी और राहुल गांधी को लेकर लेना चाहूंगी, जिस तरीके से कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं, अभी जैसा कि संदीप जी ने भी जिक्र किया, 5 लाख वोटों से त्रिपुरा वेस्ट से बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं विप्लव देव। विप्लव देव इस समय 5,80,000, ये एक बड़ा रिकॉर्ड है, और विप्लव देव बीजेपी के त्रिपुरा वेस्ट से आगे चल रहे हैं। आरती टिक्कू आपके पास आना चाहूंगी, क्या ये जो कांग्रेस की अचानक जो इतनी बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, यही माना जा रहा था कि 52-55 पर कांग्रेस फिर अटकेगी, क्या इसका क्रेडिट राहुल गांधी को देंगी आप या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को देंगे? देखिए मुझे इसका क्रेडिट भारत जोड़ो यात्रा जिसने भी कंसीव की, बहुत मैं कहूँगी कि उन्होंने उसमें बहुत थॉटफुली उसको कंसीव किया, और उससे जो राहुल गांधी की इमेज को जो पॉजिटिव टर्न मिला, मुझे लगता है क्रेडिट देना चाहिए। दूसरी बात, मुझे लगता है प्रियंका गांधी ने भी बहुत मेहनत की अपने भाई के लिए इस इलेक्शन के दौरान, तो वो भी हमें नजरअंदाज जी। सारण से रोहिणी आचार्य के इस वक्त पिछड़ने की खबर आ रही है, सारण से रोहिणी आचार्य पीछे चल आगे चल रहे हैं, इसका मतलब अनुराग जी बिल्कुल, और ये इस वक्त बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कोई कमी नहीं छोड़ी उनके प्रचार प्रसार में। हाँ रूढ़ी